सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। सोशल मीडिया पर आजकल टिकटॉक वीडियो छाए रहते हैं, आपको हर दूसरी पोस्ट के बाद यह अक्सर दिख जाते हैं, लेकिन टिकटॉक ऐप पर वीडियो बनाना अब लोगों को भारी पड़ रहा है। दरअसल इस सोशल मीडिया ऐप पर घृणास्पद और आपत्तिजनक वीडियो डालने के कारण मुंबई के कुछ युवाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक्ट्रेस 07 नाम के टिकटॉक अकाउंट से हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया था। इस वीडियो में झारखंड में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए तबरेज अंसारी की मौत का मुद्दा बनाते हुए विवादित वीडियो डाला गया था। इन लोगों ने तबरेज अंसारी की मौत के मामले पर वीडियो में कहा था कि मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। वीडियो टिकटॉक ऐप पर आते ही जमकर वायरल हो गया। वहीं बहुत से लोगों ने इसकी शिकायत ट्विटर के साथ साथ मुंबई सीपी और मुंबई के पुलिस से की। वहीं 8 जुलाई को रमेश सोलंकी नाम के एक शख्स ने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने इन सभी लोगों के खिलाफ आईपीएस सेक्शन 153A और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में टिकटॉक इंडिया ने भी साफ कर दिया है कि ये वीडियोस टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है और उसके सभी प्लेटफॉर्म से इसे हटा दिया गया है। बता दें कि इन लोगों में फैशल शेख सबसे ज्यादा मशहूर है। इसका टिकटॉक पर मिस्टर फैसू 07 नाम से अकाउंट है और इसके करीब 24 मिलियन से ज्यादा फैंस हैं। इसके अलावा इस ग्रुप में हसनैन खान हैं, जिनके करीब 13 लाख फैन हैं। अदनान शेख, फैज बलूच और सदान फारूकी भी इस ग्रुप में शामिल हैं।